व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, मेरा नाम एडीपी, आप लोगों के और विश भी, और आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन से होने वाले कैंसर के बारे में, क्योंकि बूढ़े जवान सब एज के जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं। एंड मैं कब से सुनता आ रहा हूँ, मम्मी पापा बोलते थे कि फ़ोन इतना मत यूज़ कर, कैंसर होता है या फिर ब्रेन ट्यूमर होता है। तो इस चीज़ पर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे और जानेंगे कि क्या इस बात में कोई भी सच्चाई है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो यूज़ करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दो तरह के होते हैं, एक आयोनाइजिंग और एक नॉन आयोनाइजिंग। जो आयोनाइजिंग होते हैं दोस्तों, वो होते हैं जैसे एक्सरेज, कॉस्मिक रेज या रेडॉन रेज। ये बेसिकली काफ़ी हाई एनर्जी वाले होते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। सो जब भी ये जो रेडिएशंस ये आपकी बॉडी पर जब बार बार पड़ती है, तब आपकी प्रोबेबिलिटी कैंसर होने की बढ़ जाती है। मतलब आपको कैंसर होगा ऐसी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आपको कैंसर नहीं होता। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, वो यूज़ करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं दोस्तों। सो इससे होता ये है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी कम रहती है, सो इनकी एनर्जी काफ़ी कम रहती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी को गर्म कर सकते हैं अगर आप किसी माइक्रोवेव ओवन के अंदर बैठे। कैसे? क्योंकि जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, जो हम खाना गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी सेम रेडिएशंस को यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। लेकिन कैंसर तो भूल जाओ आप, आपके फ़ोन इतने कम अमाउंट में ये रेडिएशन ऐसे छोड़ते हैं, अपने आप से ऐसे निकालते हैं कि मतलब वही जैसे मैंने कहा, कैंसर भूल जाओ, आपकी बॉडी पार्ट्स भी गर्म नहीं होने वाले। सो जितने भी लोग आपको आके बोलते हैं कि फ़ोन ज़्यादा यूज़ मत करो, कैंसर होता है या ब्रेन ट्यूमर होता है, उनको ये वीडियो दिखाओ। एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसी वीडियोस के साथ आता रहता हूँ दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।